हेलो दोस्तों, माय नेम इज आकाश, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दो गाड़ियां दिखाने वाला हूं, दो गाड़ियां कवर करूंगा। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो गाड़ी को खरीदने में, डिस्क्रिप्शन में उन्हें ओनर का नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली कॉल करके गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा होने वाला है हुंडई सेंट्रो, 2007 मॉडल है, मॉडल पुराना है मैं जानता हूँ थोड़ा सा, मगर यार गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। जो भी भाई हमारे ऐसे हैं, मतलब लेनी है सीखने के पर्पज से, चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाड़ी को रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडल पुराना है। जो भाई कहेंगे कि यार थोड़ा सा मॉडल पुराना है, ये वाली गाड़ी क्यों दिखा रहे हो, तो बस ये वाली प्रॉब्लम है, वरना गाड़ी बिल्कुल ओके है। कितनी भी चलाओ यार, भगाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। डीएल नंबर मिलने वाला है, हेडलाइट्स देख लीजिए आप, कलर जो है इसका पेंट जो है ओरिजिनल पेंट पे मिलने वाली है, गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में। थोड़ा सा यार जो देखो चीज़ है गाड़ी में वो दिखा देता हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब माइनर सी टचिंग करानी पड़ेगी आपको, ये हो जाएगी। टायर वगैरह की कंडीशन देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है टायर। मैंने गाड़ी खोल रखी है, थोड़ा यार धूप की वजह से भपका हो जाता है गाड़ी के अंदर, इसलिए एकदम गाड़ी के अंदर जाया नहीं जाता। तो मैं थोड़ा सा गेट खोल दिए, हवा वगैरह चली जाएगी। पीछे से गाड़ी का प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होने वाला है, डीएल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, टेल लाइट बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में लगी हुई है। इस पर वीडियो में आपको शायद थोड़ी पुरानी दिख रही हो, मगर ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, इसके टेल लाइट है। बम्पर वगैरह मतलब कहीं भी हो, कोई स्क्रैच नहीं है गाड़ी पे, कोई डेंट नहीं है। सामने था वो मैंने उसके बारे में आपको बता चुका हूँ, साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होने वाला है। अभी गाड़ी को अंदर से भी दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा गाड़ी में से भपका थोड़ा खत्म हो जाए यार, वो भी दिखाऊंगा। चलते हैं गाड़ी के अंदर। 2 पावर विंडो स्विचेस अवेलेबल मिलते हैं इसमें, 4 पावर विंडो स्विचेस अवेलेबल नहीं है। ये गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ। गाड़ी के कंसोल की बात करूँ तो यार गाड़ी में कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एसी की बात करूँ, एसी बढ़िया है गाड़ी का, बिल्कुल मतलब यार एसी बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन है, 5 स्टार रेटिंग दूंगा मैं तो इसे। ग्लोव बॉक्स की बात करूँ, ग्लोव बॉक्स में अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, सामान हमने काफ़ी रखा हुआ है। और अदरवाइज यार गाड़ी बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन कंडीशन में मिलने वाली है, इंश्योर्ड है गाड़ी। जो भी भाई हमारे ऐसे हैं सीखने के पर्पज से लेना चाहते हैं, या कोई हमारे गाजियाबाद के भाई या कोई किसी गांव के भाई ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ओल्ड मॉडल लेने से, बहुत ही अच्छी गाड़ी है यार, यही बोलूँगा। और कम प्राइस में लेस ड्रीवन गाड़ी मिलने वाली है, ओरिजिनल पेंट पे गाड़ी। बात कर लेते हैं गाड़ी की डिटेल के बारे में, 2007 मॉडल, 2007 मॉडल है और सेकेंड ओनर से ही मिलने वाली है, प्योर पेट्रोल पे है गाड़ी में। बेस ट्यूब, जो भी भाई हमारे साउंड सिस्टम के दीवाने हैं उनके लिए इसमें साउंड बहुत अच्छे मिलने वाला है, बहुत ही मतलब टॉप क्लास का साउंड इसमें लगा हुआ है। JBL की बेस ट्यूब लगी हुई है, साउंड सिस्टम बहुत ही हैवी लगा हुआ है। आसिंग प्राइस की बात करूँ, 90,000 रुपये इसके आसिंग प्राइस हैं, और यार मिल जाएगी ये आपको 70-75 हज़ार रुपये में आसानी से, यहाँ पे नेगोशिएट करके भी आपको दे देंगे। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे भाई होने वाला है महिंद्रा कोंटो, बैक प्रोफाइल कुछ इस तरीके का होने वाला है, UP14 नंबर, ऑल ओरिजिनल पेंट है, गाजियाबाद रजिस्टर्ड मिलने वाली है। इस गाड़ी के मैंने डोर खोले हुए हैं यार, थोड़ा भपका वगैरह निकल जाए। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की होने वाली है। फ्रंट से बात करूं अगर मैं, फ्रंट कैसा होने वाला है गाड़ी का, फ्रंट देखिए यार, फ्रंट बहुत बढ़िया है गाड़ी का, बिल्कुल जेन्युइन सुपीरियर कंडीशन की गाड़ी है। हेडलाइट्स वगैरह देख लीजिए यार, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में मिलने वाली है। महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है आपको, अलॉयज लगे हुए हैं इसमें, टायर की कंडीशन देखिए यार, मतलब अलॉयज का ना अलग ही लुक है, बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है यार, अल्टीमेट। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर से कैसी है। 4 पावर विंडो स्विचेस अवेलेबल यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे डोर को अनलॉक कर सकते हैं, सीट्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, इस तरीके का आपको यहाँ पे कंसोल मिल जाता है गाड़ी का। यार ये बड़ा मतलब यूनिक टाइप का सा है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। इसके जो एसी वेंट्स है ना, ये डिज़ाइन देखिए, मतलब यार इसका ये क्या शार्पनेस की तरह दिया हुआ है, यहाँ पे एक हैंडल दिया है। यार महिंद्रा की गाड़ियों का बिल्कुल जवाब नहीं है, क्वालिटी के बारे में तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्लोव बॉक्स देख लीजिए, बहुत बढ़िया स्पेस मिलने वाला है। एसी वेंट एक आपको वहाँ पर मिल जाता है, 4 पावर विंडो स्विचेस अवेलेबल मैं आपको दिखा चुका हूँ। मतलब ORBMs जो है वो भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से, नाइट एंड डे वाला यहाँ पे IRBMs का मिलने वाला है आपको। तो यार यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कार्ड होल्डर्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी यार बहुत ही बढ़िया 7 सीटर गाड़ी मिलने वाली है आपको यार यहाँ पे, बहुत ही मतलब यहाँ पे 2 कप यहाँ पे होल्डर्स मिल जाते हैं आपको, 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और यार पीछे की सीट्स देख लीजिए आप, ये नीचे देखिए हाइट यार, मतलब मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मुझे गाड़ी में मैं बैठा हूँ कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, देखिए बिल्कुल गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ थोड़ी सी और पीछे कर सकता हूँ अभी सीट को, मतलब एकदम स्पेस के मामले की बात करूँ ना, हेड रूम लेग रूम सब एकदम बहुत बढ़िया है। और यहाँ देखिए ऐसा भी नहीं है यार, मेरे पैर बिल्कुल स्टेयरिंग से अड़ रहे हैं, कितना स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है, बहुत स्पेस बचा हुआ है।
पीछे की सीट पे बैठ के दिखाता हूँ यार मैं आपको। अगर मैं आपको पीछे की सीट पे बैठ के दिखाऊं तो यहाँ देखिए आप कितना स्पेस है, 5 फुट 8 इंच हाइट है मेरी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो, मेरे जैसे दो बंदे और आके भी बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर। लेग रूम पूरा, अभी यार देखिए मतलब मेरा पूरा हाथ ऐसे आ सकता है। हेडरूम की बात करूं तो यार कम से कम मतलब अभी 4 या 5 इंच का स्पेस है, 4-5 इंच का स्पेस है, यहाँ पे दो बंदे मेरे जैसे और बैठ सकते हैं। बहुत नीट एंड क्लीन कंडीशन में गाड़ी मिलने वाली है आपको, यहाँ पे सेंटर लाइट का ऑप्शन मिल जाता है और भी यार पीछे भी मिल जाता है आपको सेंटर लाइट का ऑप्शन, और यहाँ पे भी आपको कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे भी आप कुछ अपना रख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब गाड़ी के अंदर, यार गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन कंडीशन, लेस ड्रिवन गाड़ी मिलने वाली है। अब चलते हैं गाड़ी की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। 2013 मॉडल गाड़ी है, फर्स्ट ओनर से मिलने वाली है, फुल इंश्योर्ड है गाड़ी, फुल इंश्योर्ड मिलने वाली है आपको। 2013 मॉडल डीजल वेरियंट है। आस्किंग प्राइस गाड़ी का होने वाला है 2,95,000 रुपये, 2,95,000 रुपये इसका आस्किंग प्राइस है, जो कि नेगोशिएबल रेट है, आप आइए नेगोशिएट कीजिए, फुल इंश्योर्ड गाड़ी मिलने वाली है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना यार अपने भाई के चैनल को, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा आगे भी। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए यार, प्यार दिखाइए चैनल पर।